Professor Dr. Vishwanath Karat ji, Rahul ji, manch pe baithe hue sabhi vishisht atithigan, is sabhagar mein upasthit sabhi deviyon sajjano, adhyapak gan, khas taur se aap teachers hain aur Sant Gyaneshwar सभागार में आज इस विषय पर जो मुझे आपसे बातचीत का मौका मिल रहा है मैं हृदय से कहता हूं ये मेरा सौभाग्य है ये मेरा सौभाग्य है और मैं कुछ बात शुरू करने के पहले इस देश के संतों महात्माओं से संत ज्ञानेश्वर जी से ये प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे ये सुबुद्धि दें कि जो कुछ कहूं वो सबके लिए हितकारी हो सच हो और आपसे यह निवेदन है मेरा पिछले 30 सालों से ज्यादा जब आपने यह सीरीज शुरू की थी प्रोफेसर करात ने आपने मैं भी याद कर रहा था मैं उस समय डीआईजी रेंज लखनऊ हुआ करता था और दंगे झेल रहा था पुलिस अधिकारी के हैसियत से हिंदू मुसलमानों के फालतू के दंगे बिल्कुल बिलाबात के दंगे जिसमें दुकानें जलती थीं लोग मरते थे हम लोग भागते दौड़ते थे कुछ रोकते थे कुछ करते थे कुछ नहीं कर पाते थे झुलसते हुए उस शहर में मैंने इस बात का एहसास किया कि किस पागलपन के दौर से गुजर रहा है अपना ये देश कुछ तो वजह हो लड़ने की कुछ तो वजह हो उस झगड़े की जिस झगड़े में जाने जा रही हैं कुछ तो वजह है उस झगड़े की जिस झगड़े से हमारे आगे आने वाली जनरेशंस हदस के बैठी हुई हैं क्या होगा मेरी अपनी बेटी जो तब छोटी थी वो डर के मुझसे पूछती थी कि पापा ये क्यों हो रहा है उसकी अपनी दोस्तें मुसलमान दोस्तें जो घर में आती थी बच्चियां और वो डर के पूछती थी अंकल ये क्यों हो रहा है और 30 साल से ज्यादा लग गए नौकरी के और उस समय से कोई 20 साल लग गए मुझे वो जवाब अपने लिए पाने में इसमें बहुत बड़ी कृपा मेरे गुरु महाराज की है जो समय समय पे मैं मथुरा में एसपी था रोज जाता था उनके पास घंटे दो घंटे तीन घंटे सिद्ध पुरुष थे मान्यता थी देश में उनकी और देर देर तक मुझे चीज़ें बताते थे समझाते थे और कहते थे कि जब समय आएगा तो तुम ये बातें बोलना और मैं सोचता था इन बातों को सुनने की फुर्सत किसके पास प्रोफेसर करात का मैं अनुग्रहित हूं राहुल जी का आप सबका कि आपने मुझे पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पे इस विषय पर बात करने का मौका दिया है सच बात तो यह है कि ऐसा विषय है जिस पे कोई सरकारी अधिकारी तो जबान खोलने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वो फायरिंग रेंज में आ जाएगा उन लोगों की जिनकी वजह से यह समस्या खड़ी हुई है मैं बात शुरू करूं सबसे पहली बात आपसे ये कहूंगा आपने शिकार की कहानियां पढ़ी होंगी या सुनी होंगी शेरों के शिकार इस देश में पहले राजा महाराजा किया करते थे बाद में भी अंग्रेजों के जमाने तक वो शिकार चलते रहे और उन शिकारों में शिकारी अपने साहस की शौर्य की गाथाएं लिखता था लेकिन कभी किसी ने शेरों के बारे में कुछ नहीं लिखा उनके शौर्य के बारे में कुछ नहीं कितने शिकारियों को शेर मार के खा गए लेकिन उन शेरों की कोई कथा नहीं लिखी गई क्योंकि उनके कोई हिस्टोरियंस नहीं थे उनके कोई इतिहासकार नहीं थे तो जो इतिहासकार हाँ रिमोट होगा इसका या अच्छा ठीक नहीं ठीक है मैं बोल दूंगा नेक्स्ट सच बात यह है कि There's a saying, until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter. जब शिकार की कहानी लिखने वाला शिकारी होगा तो शेर की बात थोड़ी करेगा वो बात करेगा अपने अपनी और जब तक शेरों के इतिहासकार नहीं बनेंगे तब तक धर्म और सेक्युलरिज्म की बात वैसे ही की जाएगी जैसे आज इस देश में की जाती है और मैं अपने और आप को उस परिधि में रखता हूं क्योंकि हम और आप से मतलब इंडिविजुअल से नहीं आप में से बहुत से लोग मुझसे ज्यादा जानकार होंगे
लेकिन इस देश में जो भ्रम फैला हुआ है आज भी धर्म के नाम पे और सेक्युलरिज्म के नाम पे, एक बार रुक के ठहर के सोचने की जरूरत है कि ये कहां गड़बड़ी हो रही है और क्यों ये गड़बड़ी हो रही है। नेक्स्ट, ये जो शब्द है सेक्युलरिज्म, आपको पता होगा, मैं ध्यान आपका आकर्षित करता हूं, सेक्युलरिस शब्द है लैटिन का, जिसका मतलब होता है वर्ल्डली, टेम्पोरल, जो कि परमानेंट ना हो उसे कहते हैं सेक्युलरिस। और ब्रिटेन में जब चर्च और स्टेट का लड़ाई की झगड़ा, उनका झगड़ा बहुत ऊपर आ गया, जब वहां के रहने वाले राजनीतिज्ञों को ये लगने लग गया कि चर्च का कंट्रोल स्टेट पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी कुछ लोगों ने, और उस मुहिम के चलते दो लोग खास, ये जॉर्ज जेकब हॉलियॉक और चार्ल्स ब्रैडलॉ, ये दो नाम हैं जिन्होंने 1846 में सेक्युलरिज्म शब्द पहली बार उस रूप में प्रचारित किया जिस रूप में हम और आप उसे जानते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, और तब मतलब यह था कि द इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ बाय मटेरियल मींस, दुनियादारी की सांसारिकता से चीजें इंप्रूव करनी चाहिए। इट इज गुड टू डू गुड, बिल्कुल सही बात है कि हम अच्छा करें और अच्छा हो, और यह अप्रोच थी नॉन रिलीजियस, ह्यूमनिस्टिक, एथिस्टिक, भगवान को न मानने वाली फिलॉसफी की, रिलीजियसली न्यूट्रल गवर्नेंस की। किसे इनकार है इससे कि गवर्नेंस, सरकारी काम और सभी काम जिंदगी के किसी पूर्वाग्रह के बिना किए जाएं, ठीक ही तो है, इतने तक कोई इतराज की बात नहीं है। लेकिन जरा सा मैं ध्यान आपका आकर्षित करूंगा और वो रोग आपको दिखाना चाहूंगा जो इसके साथ पीछे पीछे चल रहा था। नेक्स्ट, ये कुछ कोटेशंस हैं चार्ल्स ब्रैडलॉ के, कहते हैं कि इन माई ओपिनियन द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म मस्ट बी दैट द मैन गेट्स टू एथिज्म, सेक्युलर होना है तो भगवान को मानना छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद वो कह गए, यू कांट हैव ए स्कीम ऑफ मॉरेलिटी विदाउट एथिज्म, मतलब अगर हम भगवान को मानते हैं तो हम मॉरल नहीं होंगे। मुझे तो यहीं से पागलपन दिखाई पड़ता है इस सोच में, अगर मैं परमात्मा को मानता हूं इसलिए आप समझते हो कि मैं मॉरल नहीं हो सकता, कहीं कोई खोट है विचारों में। ये वो उनकी बातें हैं राहुल जी, जिन्होंने सेक्युलरिज्म इस दुनिया में फैलाया है, और ये सबके सामने कह रहा हूं, जिसको चेक करना हो कर ले, चार्ल्स ब्रैडलॉ का ये कोट। वो कहते हैं कि द यूटिलिटेरियन स्कीम इज अ डिफायंस, इट्स अ डिफायंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोविडेंस, भाग्यवाद या भाग्य, and a protest against God. It was a protest against God, the secularism, the concept of it was a protest against, not alone the church, against the God. और ये तूफान तब से और आज तक, 1846 से आज तक चल रहा है, ये कोई नहीं बोलता कि ये परिभाषा देने वाले लोगों की मूल्य और गलत नहीं थे। मैं कहता हूं, आप अगर चाहते थे कि गवर्नेंस में रिलीजन का कोई उनकी मदाखलत ना हो, ठीक बात थी, उससे इनकार हमें नहीं है, लेकिन मैं अगर भाग्यवादी हूं, भगवानवादी हूं, तो मैं मॉरल नहीं हो सकता या मैं मूर्ख हूं, खोट है कहीं इस बात में, ठहरने और सोचने की बात है। नेक्स्ट, वो कहते थे कि एनीथिंग दैट इज अबव और बियॉन्ड द प्रेजेंट लाइफ शुड बी ओवरलुक्ड, कोट है ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड, Anybody can go and check on the net or anywhere. मतलब यह हुआ कि अगर it was a belief in no providence, भाग्य, परमात्मा और पुनर्जन्म, ये तीन नहीं मानना है अगर आपको secular होना है तो, ये तो fanaticism हो गया, ये तो fanaticism हो गया ना, कि हम भाग्य को न माने, परमात्मा को न माने और पुनर्जन्म को न माने, अगर मानते हैं तो secular नहीं है, और अगर सेक्युलर होने की यह कीमत अदा करनी है, मैं तो ठहरूंगा और मैं तो क्वेश्चन करूंगा कि यह परिभाषा कहां से आई और किसे मिला यह हक इस किस्म की परिभाषा को निर्मित करने का। नहीं, मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा कि धर्म के नाम पे उपद्रव हो, मैं बात आपको आगे साफ करूंगा। नेक्स्ट, ये मेरा अपना विचार हो, आप सबका यही विचार होगा कि द गवर्नेंस मस्ट बी रिलीजियसली न्यूट्रल, कौन मना करेगा इस बात से। और कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है पंथ निरपेक्ष की, धर्म निरपेक्ष शब्द, अंग्रेजी में सेक्युलर, हिंदी में आप चेक कीजिएगा,
कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, वो शब्द है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष शब्द तो है ही नहीं। ये आया कब? अभी आपने जो बात कही ना, ये शब्द आपने कहा, ये शब्द आया कहां से? निधर्म का। और वो कहते हैं कि फ्रेंकली स्पीकिंग एनी ट्रेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एनी थिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री इज फ्लॉड, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन उपद्रव क्यों है? नेक्स्ट, इस पे आने के पहले मैं आपसे यहां, अभी समय होता तो थोड़ा और एक्सरसाइज करता, अभी सीधे आपसे पूछता हूं कि एक रिलीजियस आदमी जो है उसके दो सबसे प्रमुख एट्रीब्यूट्स क्या है? कैन यू स्पेल इट आउट? टू मोस्ट प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट्स। कोई आदमी जो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, उसके पास दो चीजें क्या होनी चाहिए? चलिए मैं ही बता देता हूं आपको, इंटीग्रिटी और कंपैशन। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल रिलीजन्स, बेईमान आदमी धार्मिक कैसे हो जाएगा? जिसके पास इंटीग्रिटी नहीं है वो धार्मिक कैसे हो जाएगा? तो इंटीग्रिटी और कंपैशन, नेक्स्ट, ये दो चीजें हैं जो अंडरलाइन करती हैं, एक्चुअली ये डिफाइन करती हैं परमात्मा को। परमात्मा के ट्रेट्स हैं इंटीग्रिटी, वो खंड खंड नहीं होता, वो एक है, वो समग्र है, नहीं प्लीज गो बैक, वो समग्र है। और वो कंपैशन से भरा हुआ है सारी सृष्टि के लिए, सबके लिए। और हम आप मनुष्य जो उसके नुमाइंदे हैं इस पृथ्वी पर विचरने वाले, हमें ये दो एट्रीब्यूट्स अपने अंदर धारण करने होंगे अगर हम उसके नुमाइंदे हैं तो, इंटीग्रिटी एंड कंपैशन। माइंड यू, एक थोड़ा सा भी गया वी बिकम लेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो सारे धर्म संसार के सिखाते कि हम सत्यनिष्ठ हों और हम सद्भाव से भर जाएं, फिर इस निधर्मी होने का क्या मतलब हुआ? फिर इसको छोड़ करके इससे निरपेक्ष कैसे हो जाएं और क्या बने, क्या बनने की आवश्यकता है? सच बात तो यह है कि इतने में ही सारी बात साफ हो जाती है कि वो मेरा धर्म, वो हर धर्म इस पृथ्वी का जो सत्यनिष्ठा और सद्भाव सिखाता है, उससे अलग होने की, उससे दूर जाने की, उससे डरने की जरूरत क्या है? उसे तो धारण करने की आवश्यकता है, फिर कोई आवश्यकता, कोई डर नहीं बचेगा समाज में। सच बात तो है गवर्नेंस की भी जरूरत नहीं बचेगी अगर एक बार ये सृष्टि, ये लोग, हम वैसे हो जाएं जैसा कि धर्म सिखाता है, तो बिना सरकार के काम चलेगा और शायद बेहतर चलेगा। नेक्स्ट, इसमें एक बात मैं बताऊं, कोट करूंगा आपको, श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण शरीर छोड़ने वाले हैं, उद्धव उनके पास गए और उनसे पूछते हैं, लंबा डिस्कोर्स देते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वो कहते हैं मुझे बस संक्षेप में बता दीजिए, करूं क्या, इतना लंबा आपने बता दिया, तो टेल मी इन ब्रीफ व्हाट टू डू। और वो कहते हैं मद भाव सर्वभूतेषु मनोवाक काय वृत्तिभे, मेरी भावना करो सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में, मन से, वचन से और कर्म से। आप मुझे बताओ इस उद्घोष को छोड़ करके कुछ और हमें धारण करने की जरूरत पड़ी क्यों? इसलिए कि इसे यह याद नहीं रहा। अगर यह याद होता मदभाव सर्वभूतेषु, अरे हिंदू मुसलमान छोड़ो, यहां तो इसकी भी फ्रीडम नहीं है कि तुम मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इनैनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनका तिरस्कार कर दो, चीटी चीटे इनका तिरस्कार कर दो, इसकी भी इजाजत नहीं देता धर्म। और हमसे कहते हैं इस धर्म को छोड़ के निरपेक्ष हो जाओ, निधर्मी हो जाओ, कहीं कोई खम, कहीं कहीं खोट, कहीं कोई ऐसी बात हुई है इस देश में और समाज में जिसने चीजों को बिगाड़ा है। और आप जो यहां आज इस सभागार में बैठे हो, मैं आपसे बड़ी उम्मीदें ये करता हूं, क्योंकि ये सही बात जब तक बाहर नहीं जाएगी निकल करके इस देश के एक एक व्यक्ति के हृदय में, तब तक ये उपद्रव चलेगा। नेक्स्ट, दरअसल तीन शब्द हैं, नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। ये तीनों शब्द, मदर, मदर का नाम आप में से सुना होगा लोगों ने ना, वो अरबिंदो आश्रम की मदर, वो डिफाइन कर गई। मैंने पढ़ा और जगह भी ये परिभाषा आती है। मोरालिटी क्या है, रिलीजियोसिटी क्या है,
और स्पिरिचुअलिटी क्या है, और आपसे खास तौर से तवज्जो पाऊंगा। अच्छे अच्छे लोगों से आप पूछिएगा, इस देश के पढ़े लिखे विद्वान नहीं बता पाएंगे। नैतिकता में, धार्मिकता में, आध्यात्मिकता में भेद है क्या? और एक भेद बताने के पहले बात स्पष्ट करूं, तीनों में एक कॉमन फैक्टर है, इंटीग्रिटी। बेईमान आदमी ना तो नैतिक होगा, ना धार्मिक होगा, और ना ही आध्यात्मिक। शुरुआत होती है इंटीग्रिटी से, ईमानदारी से, सच्चाई से, सत्य से। जो नहीं है उसे इन शब्दों के उच्चारण का हक नहीं मिलता, उसे हक नहीं बनता कि वो बात करे धर्म की, अध्यात्म की, या नैतिकता की। और राजनीति की बात कर ले, वहां से जो समेटना है समेट ले, लेकिन इन शब्दों के उच्चारण के लिए आपको आवश्यक है कि आप सत्यनिष्ठ हो। और दूसरी चीज जो है वो है कंपैशन, जो मैंने सद्भाव। सद्भाव इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति में अगर सीमित है सिर्फ मनुष्यों तक तो वो नैतिक हो गया। अब्राहम लिंकन नैतिक थे, वो उन्होंने खाली अपनी परवाह नहीं की, ब्लैक्स की भी परवाह की, जान चली गई। नैतिक व्यक्ति ईमानदार होने के साथ सारे मनुष्यों के प्रति सद्भाव से भरा है। धार्मिक व्यक्ति न सिर्फ सारे मनुष्यों के प्रति, सारे जीवों के प्रति सद्भाव से भरा है। उसकी उसका सद्भाव मनुष्यों में नहीं रुकता, वो कहता है कुत्ते बिल्ली चींटा चींटी ये सब तो उसी सद्भाव के हकदार हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति वो कहता है कि नहीं नहीं, खाली जीवित नहीं, जड़ भी तुम्हारी तुम्हारे कंपैशन के हकदार है, मिट्टी भी तुम्हारे कंपैशन की हकदार है, ये पानी तुम्हारे, ये नदी तुम्हारे कंपैशन की हकदार है। क्यों मारते हो, क्यों बिगाड़ते हो, क्यों गंदा करते हो इसे? ये आध्यात्मिकता है जो ये कहती है कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, वो तत्व जिनसे तुम बने हो, डील विद देम विद कंपैशन एंड करेक्टनेस। और ऐसे धर्म और ऐसी आध्यात्मिकता को छोड़ करके जब हम नीचे उतरते हैं तो हम नैतिक हो जाते हैं, और नीचे उतरते हैं तो राजनैतिक हो जाते हैं। नेक्स्ट, मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको और इससे बात बड़ी साफ हो जाएगी। एक गुरुजी थे, सिद्ध पुरुष, उनका शिष्य गया शहर घूमने और लौटते समय देर हो गई उसे, तो गुरु ने कहा कहां रह गए थे? कब पोलो का मैच देखने लगे। पोलो आप जानते हो ना, वो घोड़े के ऊपर चढ़ करके और स्टिक्स लेकर के गेंद को मारा जाता है, गोल पोस्ट दोनों ओर होते हैं। पोलो का मैच देखने लग गया था चेला। गुरु ने अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखा क्या मैच? देखा क्या था? बोले घोड़े थे, आदमी थे, हाथ में डंडे थे, दौड़ाते थे, इधर से उधर मारते थे, फिर अंत में क्या हुआ? और उन्होंने कहा कि वो आदमी सब के सब बहुत थक गए, आदमी सब के सब बहुत थक गए। बोले फिर और क्या देखा? वो सर खुजाने लग गया। बोले तुम्हें घोड़े नहीं दिखे? थके हुए आदमी दिखे, थके हुए घोड़े नहीं दिखे? हाँ गुरुजी बात तो सही है, घोड़े भी थक गए थे। बोले फिर तुम जो है वो, तुम्हारी दृष्टि तो बड़ी सीमित है, तुम्हें आदमियों की थकान, आदमी तो मजा ले रहे थे, खेल रहे थे, घोड़े तो अनायास दौड़ रहे थे बिला बात, और पीटे भी जा रहे थे, एड़ भी लग रही थी, तुम्हें उनका दर्द, उनकी थकान नहीं दिखी, तो तुम सारी ट्रेनिंग बेकार गई अब तक की। खैर अब ये बताओ कि आदमी थक गए और घोड़े थक गए, और वो गोल पोस्ट क्या, उनमें क्या दिखा? उनमें तो कुछ नहीं दिखा। गुरु ने कहा जाओ विचारना और बताना, कल सुबह आना। वो शिष्य वापस आया और डरा कि गुरुजी कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते जो बेतुकी हो, ये क्या पूछ रहे थे? रात भर जगा, सुबह सूरज की किरण के साथ उसकी बुद्धि खुली, वापस दौड़ता आया और उसने गुरु से कहा प्रश्न दोहरा दीजिए, बताओ गोल पोस्ट। बोले वो गोल पोस्ट भी थक गए थे। सच बात तो यही है ना, मेटल फटीग, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हो, उसकी भी तो उम्र गई। जो लोहे या लकड़ी का बना गोल पोस्ट था, उतनी देर में जितनी देर में एक पोलो का मैच खत्म हुआ, उसकी भी तो उम्र गई, वो भी तो थका। यह है आध्यात्मिक दृष्टि, यह है वो आध्यात्मिक दृष्टि जिसको लेकर के ये देश सोने की चिड़िया था। यह है वो आध्यात्मिक दृष्टि जिसके रहते हुए इस देश में दंगे, किसे सुने थे किसी ने, दंगा क्या होता है? जिस देश में पुलिसिंग नहीं होती थी, पुलिस नहीं होती थी। एक बड़े अच्छे चिंतक मुझसे मिले पिछले दिनों,
उन्होंने कहा देश उस दिन अच्छा मानना जिस दिन सारी पुलिस फोर्स अबॉलिश कर दी जाए, जब तक एक सिपाही देश में है ये समझ लेना कि अभी चीजें ठीक नहीं चल रही। जरूरत क्यों पड़ी इसकी? क्योंकि ये दृष्टि बिखर गई। ये बात जिसको लेकर के ये देश जीवित था वो खो गई। नेक्स्ट, मैं आपसे विनम्रता से, मेरे गुरु महाराज की चर्चा हुई, पूज्य श्री देवराहा बाबा, मथुरा में मैं एसपी था, रोज उनके पास 2-3 घंटे समय बिताता था। कुछ चीजें मैंने देखी वहां, मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा समय लग जाएगा बट आपको शायद अच्छा लगे। सारी देखी हुई बातें बता रहा हूं। रात के शाम के समय बहती हुई यमुना, बगल में मचान उनका और एक गाय बह के जा रही बड़ी हुई यमुना बाढ़ में, और उनके एक चेले जो वहीं खड़ा था, एक रस्सी रखी हुई, एक डंडा रखा हुआ, उसने खाली आवाज दी गुरुजी गाय बस, और वो रस्सी लेके कूद गया बहती हुई यमुना में। और 20 मिनट बाद लौटा, इन्होंने पूछा क्या हुआ, कहाँ गई गाय? बोले उस पार निकाल दिया, वो रस्सी लेकर के पेट में उस यमुना की बाढ़ में उसने बांधा, उस पार खींच के ले गया। और उन्होंने पूछा पानी निकाल दिया? बोला हाँ। तो उसने बताया कि गले के नीचे एक स्पॉट है, जैसे आदमियों का पानी निकालने के लिए दबाना पड़ता है, अगर भर जाए अंदर, वो उस स्पॉट को दबाओ तो गाय का पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है। बोले वो पानी निकाल दिया, जब वो चली गई तब तैर के वापस आ गया। ये है अध्यात्म, ये है जीवन जो हमारे ऋषि मुनि हमें सिखाते थे। सांप, वहां बड़े सांप निकलते थे उस आश्रम में, और मैंने अपनी आंख का देखा, एक लंबा सा चिमटा जिसमें एक रिंग सी चढ़ी हुई, और सांप निकला तो कुछ कोई शोर शराबा नहीं, वो एक चेला आएगा दौड़ते हुए, धीरे से फंसाएगा, रिंग चढ़ाएगा, उसको ले जाएगा, दूर छोड़ देगा। मारना? नो वे। मेरे घर में एक सिपाही ने, मथुरा में जब मैं एसपी था, मार दिया एक सांप निकला, तो मैंने गुरु महाराज से बताया, बोले बड़ा पाप हुआ ये तो, तुम भी और तुम्हारा सारा स्टाफ, तुम लोग 21 किलोमीटर की गोवर्धन की परिक्रमा करो जाकर के पैदल, नंगे पैर, छाले पड़ गए पैर में, गर्मी का दिन था। बोले ये प्रायश्चित करो, तुम जब सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ बनते हो तो तुम्हारे घर सांप क्यों मारेगा? किसको काट रहा था? काट तो नहीं रहा था। ये था धर्म, ये है धर्म, जहां हम आसपास के परिवेश में रहने वाले हर जीव जंतु के साथ प्रेम और सद्भाव से जीते थे। आज भी वो शब्द वही सिखाते हैं। वहां चिड़िया छोटी सी उसी नदी से निकाल करके टोकरी में डाल दी गई रात का समय, और वो उसको मैं कुछ खाने को दे रहा तो खाती नहीं थी। उन्होंने कहा, गुरु ने कहा तुम्हें पता नहीं, ये आदमी नहीं है कि दिन भर खाती रहेगी, सूरज डूब गया अब ये नहीं खाएगी, ये सूर्योदय के बाद अब खाएगी। और वो वहां रात भर बैठी और सुबह जो कुछ मिला लेकर के उड़ गई। इंसेक्ट्स की बात बताता हूं, नदी के उस पार यमुना जी के कीड़े उड़े, और इधर गुरु महाराज के आश्रम के पीछे थोड़ी सी खेती, कुछ सब्जियां लगी थी, कीड़े आ गए। उनके चेले ने कहा मेरे सामने कि महाराज थोड़ी सी राख जला के डाल दें इस पे। क्यों? क्योंकि वो कीड़े बहुत आ गए हैं तो उड़ जाएंगे, वरना सब सब्जी खराब हो जाएगी, तोरई और क्या क्या। कीड़े कहाँ से आ गए? कीड़े तो उस पार से आए हैं। क्यों? बोले उधर लोगों ने दवा छिड़क दी, उधर दवा छिड़क दी तो कीड़े भाग के आश्रय में यहां आ गए, अब तुम राख छिड़क दोगे जाएंगे कहां? खाने दो इन्हें, तुम खरीद लाना बाजार से, तुम्हारे लिए तो बहुत बाजार लगा हुआ है, ये कहां जाएंगे, खा जाने दो सारा का सारा इन्हें। ये आध्यात्मिक दृष्टि। और अंतिम बात जो आपको बता रहा हूं, आज पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलने जा रहा हूं ये बात, श्री राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मथुरा आने वाले, उन्हीं के दर्शन में, देवराहा बाबा के दर्शन में। और जैसे कि 3 दिन बाद विजिट उनकी होनी है, तो वो दिल्ली से 2 MI-8 के हेलीकॉप्टर्स आ गए हमारे IG DIG, एक जॉइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के, मैं SP था, और सबने देख लिया कि यहाँ हेलीकॉप्टर्स उतरेंगे, चूंकि उन्हीं बाबा के दर्शन में आ रहे थे वो। एक बबूल का पेड़ था वहाँ, उन्होंने कहा कि ये यहाँ हेलीपैड बनेगा, मैंने ही तय किया था। हेलीकॉप्टर के पायलट्स ने कहा कि थोड़ी सी इसको ट्रिम कर दीजिएगा बबूल को, ताकि लैंडिंग में सुविधा हो जाए। उन सबके जाने के बाद गुरु महाराज ने पूछा क्या तय हुआ, मैंने सब बताया। बोले बबूल, मैंने कहा थोड़ा सा कटेगा। क्यों बबूल क्यों कटेगा? उसकी एक पत्ती भी क्यों कटेगी? मैंने कहा वो लैंडिंग में फैसिलिटी होगी। बोले तुम खुश हो गए, तुमने प्राइम मिनिस्टर को दर्शन कराया, और वो भी शायद खुश हो जाएं, संत के दर्शन हुए। ये बबूल मुझसे पूछेगा
कि मैं क्यों कटा, तुम्हें क्या जवाब दूंगा इसे। और मैंने जब कहा कि वो क्या पूछेगा, बोले वो तुम्हें लगता है कि नहीं बोलता, मेरा पूरा संवाद होता है इस बबूल से, ये पुराना भक्त है। और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए, एक पत्ती नहीं कटेगी इसकी, तुम तय कर लो क्या करना है। और मैंने कहा मैं तो अब नहीं रोक पाऊंगा, मेरे मुझसे तो बात बाहर हो गई बहुत देर। मुझसे कहा तुम क्या, तुम एसपी हो? हाँ। तो एसपी हो कि मिट्टी के ढेला कि तुम इतना भी नहीं कर सकते? मैंने कहा आप जो कहिए महाराज, लेकिन अब तो बात मुझसे बाहर हो गई। बहुत देर के बाद विचार करते हुए उन्होंने कहा मेरे पास डेट्स हैं वो सारी की सारी, समय है शाम 7:30 के आसपास का समय। उन्होंने कहा तो फिर कैसे होगा? मैंने कहा आप बताइए। बोले अच्छा फिर कुछ मुझे ही लीला करनी होगी, लेकिन अगर ये अभी तारीख टल जाए और दोबारा आए प्राइम मिनिस्टर तब, मैंने कहा तब मैं व्यवस्था कर लूंगा, आपकी हेलीपैड कहीं और बनवाऊंगा, बबूल का पेड़ ही नहीं होगा पास में। ठीक है जाओ। और मैं लौट के आया विश्वनाथ जी 8:30 बजे, कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी ऑनलाइन, जो 5 बजे गए थे यहां से, मिस्टर मिश्रा द विजिट हैज बीन पोस्टपोन्ड एंड इज पोस्टपोन्ड। आई सेड when विल ही कम, आई डोंट नो। मैंने कहा कब तय हुआ? बोले 1 घंटे पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द PMO दैट द विजिट इज पोस्टपोन्ड एंड मिस्टर राजीव गांधी केम, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया केम लेटर ऑन, आई टुक हिम टू द सेम सेंट, वो बबूल का पेड़ वैसे का वैसा, हेलीपैड कहीं और बना, एक पत्ती नहीं कटी। आप मुझे बताओ ऐसे धर्मात्माओं के देश में, ऐसी शिक्षा और दीक्षा वाले देश में कहां कहां और कैसे हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएं, जो हमसे अपेक्षा करते हैं कि एक बबूल के पेड़ की पत्ती अनायास न काटी जाए, उस देश में हम ऐसे शिक्षकों को छोड़ करके और क्या सीखने पे आमादा हो गए, कौन सी परिभाषाएं हमने बना ली। नेक्स्ट, आप अभी कह रहे थे धर्म की परिभाषा, मैं आज इस हॉल में ये निवेदन करता हूं अपने जीवन में इससे सुंदर परिभाषा धर्म की मुझे नहीं मिली और शायद आपको भी अच्छी लगेगी, और मेरी बनाई नहीं है ये परिभाषा, पातंजलि योग सूत्रों की, पातंजलि, मैं देख रहा था गाडगिल महाराज को, पातंजलि योग सूत्रों में व्यास भाष्य है उसका, वेद व्यास जी की दी हुई परिभाषा है, ग्रंथों में मिलेगी। क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर बड़ी साइंटिफिक बात है ये, वो कहते हैं कि योग्यता अवच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः। हर पदार्थ में एक कोई योग्यता होती है, प्रॉपर्टी होती है उसकी ना, और वो प्रॉपर्टी किसी एक स्पेशल ताकत से आती है। चुंबक है, चुंबकत्व उसकी योग्यता है और चुंबकत्व की ताकत है, उस मैग्नेटिज्म का दम है उसके अंदर, लोहे के उस टुकड़े में। तो ये चुंबकत्व चुंबक का धर्म है, वो योग्यता और वो शक्ति जिससे वो योग्यता आती है, कंबाइंड दे आर द धर्म। योग्यता अवच्छिन्ना धर्मिण शक्तिरेव धर्म। तो चुंबक का धर्म है चुंबकत्व, चुंबकत्व उसका धर्म है, जिस दिन छोड़ेगा उस दिन लोहा हो जाएगा। अब चुंबक चुंबक आकार हो सकता है, यू शेप लोहा हो जाएगा, इल नो मोर बी ए मैग्नेट, फॉर बींग ए मैग्नेट इट मस्ट हैव मैग्नेटिज्म इन इट। फायर इफ इट डजंट हैव हीट इट इज नॉट फायर, वो राख हो गई, वो कुछ और कह लेना, अब आग नहीं बची अगर उसमें से गर्मी निकल गई तो। पानी, अगर ये पानी इसका द्रवत्व इसकी लिक्विडिटी चली गई तो ये पानी नहीं बचा, ये या तो जम के बर्फ हो जाएगा या उड़ के भाप बन जाएगा। पानी कहते हो तो इसमें लिक्विडिटी होनी पड़ेगी इसकी, वो इसका धर्म है। और मनुष्य का धर्म है मनुष्यत्व, सिंपली मनुष्य का धर्म है मनुष्यत्व। कहां छोड़ दे इसे, कैसे निरपेक्ष हो जाए इससे, और बचेगा क्या हमारे अंदर अगर वो मनुष्यत्व छूट गया तो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सच बात तो ये है, आपने कहीं सुना होगा, संस्कृत के लोग होंगे, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, बड़ा मशहूर सूत्र है ये, धर्म की रक्षा करो तो वो रक्षा करता है और धर्म का हनन करो तो वो तुम्हें मार देता है। वो चीज यही है,
कि अगर मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म बचा हुआ है तो वो मैग्नेट है, हमारे अंदर हमारी ह्यूमैनिटी बची हुई है तो हम ह्यूमन हैं, और वो ह्यूमैनिटी निकल गई तो हम ह्यूमन नहीं बचे। तो वो धर्म, वो ह्यूमैनिटी हमारा कवच नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस है। और हमारी एग्जिस्टेंस से अलग ले जा करके अगर धर्म को किसी और रूप में परिभाषित किया जा रहा है तो खोट है, तो फिर कहीं कोई दिक्कत है। नेक्स्ट, आपने पढ़ी होगा धृति मतलब धारण करना, संस्कृत का शब्द है धृ मतलब धारण करना, और कहा गया धरतीति धर्मा, जो धारण करता है वो चीज, वो एलिमेंट, वो तत्व जिससे ये मनुष्यता हमने अपने अंदर धारण की हुई है वो धर्म है, उसे कैसे निकाल दोगे आप? एक्चुअली कुछ नहीं बचा फिर आपके अंदर। दिस फिलॉसफी माइंड यू इज नॉट क्रिएटेड बाय मी, इट्स ऑल देयर इन द स्क्रिप्चर्स, ऑल ऑफ इट। दिक्कत क्या हुई? माफ करना, आप और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने ये पढ़ना बंद कर दिया। जिन्होंने पढ़ा या तो वो समझ नहीं पाए, या समझाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, या दम नहीं था, या समझे नहीं। आइदर वे जो सही पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल गायब हो गया। नेक्स्ट, और अगर वो जो बात मैंने आपसे कही कि निकल गया अगर वो मनुष्यत्व, तो बचा क्या? वो एक श्लोक बड़ा सुंदर सा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम धर्मो हितेशा मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। आहार निद्रा भय सेक्स, ये तो सारे पशुओं में और आदमियों में कॉमन है। खाना हमको भी चाहिए, सोना हमें भी, थक जाते हैं, डर हमें भी लगता है, एंड सेक्स प्रोक्रिएशन, ये तो कॉमन है। तो फिर अगर इसी को लेकर के हम मनुष्य बने हुए हैं तो जानवर हैं, तो तेषा धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो, ये धर्म ही, मनुष्यत्व ही वो अधिक चीज है जो आदमियों के पास है जानवरों के अलावा। उससे निरपेक्ष हो जाएं, निधर्मी हो जाएं, जरूरत है क्या इसकी? जरूरत मित्रों है नहीं बिल्कुल इसकी। जरूरत, सच बात तो यह है कि सही परिप्रेक्ष्य में धर्म को समझ करके धारण करने की है। ये सारा संसार और हमारा अपना देश और समाज क्रांतिकारी रूप से स्वर्ग होगा, बशर्ते कि हम वो कर तो सकें, वो हम सोच समझ तो सकें। नेक्स्ट, ये बात तो संक्षेप में बोलता हूं, ज्यादा समय नहीं, लेकिन बाइबल कहती है दूसरे के साथ वो मत करो जो तुमको अपने साथ अच्छा नहीं लगता। और व्यास महाराज ने 18 पुराण लिखे हैं जिनमें सारा धर्म हमारा फैला हुआ है, 18 पुराणों में। किसी ने पूछा कि ये 18 पुराण, तो एक पुराण पढ़ने बैठिए तो जीवन बीत जाता है। मैंने एक पुराण पढ़ने की कोशिश की, 5 साल लगे मुझे उसको एक रीडिंग में। श्रीमद् भागवत पुराण की एक रीडिंग में ठीक से 5 वर्ष लग गए। 18 हैं ऐसे ऐसे, जीवन बीत जाएगा पढ़ते पढ़ते। फिर तो किसी ने पूछा व्यास जी से, उन्होंने कहा अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचनम द्वयम्। वो कहते हैं कि कुल 2 बात अच्छा याद रखो, बाकी भूल जाओ, जस्ट 2, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पुण्य है और पर उत्पीड़न पाप है। जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो किसी और के लिए मत करना। और इतना खाली धर्म की परिभाषा समझ लो तो 18 पुराण और 4 वेद और तमाम और ग्रंथ नभी देखो तो काम चलेगा। क्यों भागे इससे हम, और क्यों निरपेक्ष हो जाएं हम परोपकार से, और क्यों निरपेक्ष हो जाएं हम ऐसी परिभाषाओं से? नेक्स्ट, इसी को बल्कि नेक्स्ट बल्कि उसी परिभाषा को बाद में तुलसीदास जी ने बिल्कुल अनुवाद कर दिया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक के बाद संत महात्माओं ने इस देश में आ आ करके, मैंने मराठी का पढ़ा नहीं लिटरेचर, लेकिन मुझे शक जरा भी नहीं है कि संत ज्ञानेश्वर जी आज इसका अनुमोदन करेंगे। वो जरूर चैतन्य आत्मा है ना, वो कहीं गए तो है नहीं। ही वुड डेफिनेटली अप्रूव ऑफ दिस कि हमें आवश्यकता है कि हम मनुष्य बन जाएं, वैसे मनुष्य जैसे कि परमात्मा ने बना के भेजा, बच्चे जैसे, निश्चल, इंटीग्रिटी और कंपैशन से भरे हुए। फिर दिक्कत क्या, फिर समस्या कहां? और अगर धर्म छोड़ने की बात हुई, 5 एलिमेंट्स भी बनाए हैं परमात्मा ने, मिट्टी पानी धूप हवा आकाश, एक भी अपना धर्म, एक चौथाई भी छोड़ दे तो सारी सृष्टि साफ है।
आपको पता धर्म हमारे अंदर ये दिल धड़कता है ना, उसका धर्म है धड़कना, छोड़ दे धड़कना तो खत्म बात। लंग्स का धर्म है सांस अंदर बाहर करना, छोड़ दे तो गए। तो सारी सृष्टि चलती है उस प्रकृति और परमात्मा के बनाए हुए उन नियमों से जिन्हें सजो के, जिन्हें पाल के हम जीते हैं। अकेले अचानक हम मनुष्यों से यह अपेक्षा करना कि तुम धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, तुम धर्म छोड़ दो, तुम निधर्मी हो जाओ, मुझे तो कोई कारण इसका समझ में आता नहीं। नेक्स्ट, ये सच बात तो यह है, कुछ बातें जैसे वो मैं एक जगह बात कर रहा था, स्लाइड ये जानबूझ के जोड़नी पड़ी मुझे बात के दौरान, ये बात आई कोई एक मेरे अल्पसंख्यक मित्र, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे मुसलमान, कुछ बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा, बोले ये रबुल आलमीन कहते हैं परमात्मा को, रब उल आलमीन, वो रब है सबका, मुसलमानों का रब नहीं है, खाली मुसलमानों का रब नहीं है। अगर मैं और मुसलमान वो है जिसका मुसल्लम ईमान इंटीग्रिटी, वही प्राइमरी चीज, इफ यू लैक इंटीग्रिटी यू कैनॉट बी अ मुसलमान। मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान है जिसका, पक्के ईमान वाला। तो फिर सवाल ये है कि वो अगर मैं पक्का ईमान रखता हूं और मैं कंपैशन रखता हूं तो यकीन मानो सबसे बड़ा मुसलमान हूं फिर मैं, उसमें कोई रोक कोई खोट नहीं कहीं से आने वाला, क्योंकि वो रब उल आलमीन है, वो रब है सबका, मेरा भी, हर उसका जो इंटीग्रिटी के साथ उसकी जिंदगी को वैसे जीता है कंपैशन के साथ जैसे जीना चाहिए। दिक्कत यह है कि ये जो सारे धर्म हैं इनका एक कोर है, इनकी एक पेरिफेरी है, हम सब ज्यादातर लोग पेरिफेरी पे अटके हुए हैं, कोर की ओर तो नजर भी नहीं जाती, और वो दिक्कत तलब है नजर, क्योंकि उसमें तमाम संस्थाएं टूट जाएंगी, तमाम लोगों की सियासत बैठ जाएगी अगर आप कोर की ओर चले गए तो। और ये वैसे ही है जैसे कि एक छोटी कहानी, एक फकीर रहते थे जंगल में और उनके बहुत से चेले थे अलग अलग जगह जगह बसे हुए, वो चंद्रमा की उपासना सिखाते थे, एकाग्रता चाहिए चाहे जैसे आ जाए, चंद्रमा की उपासना सिखाते थे वो फकीर। तो एक अपने शिष्यों के पास गया, उन्होंने कहा गुरुजी चंद्रमा कैसा है, उन्होंने ऐसे दिखाया, देखो वो रहा चंद्रमा, देखो। उस रोज वो इत्तेफाकन सफेद रंग की कमीज पहने हुए थे पूरी बांह की, दूसरे ग्रुप में उन्होंने हरे रंग की कमीज, ये वो चंद्रमा, और कहीं आधी बांह की कमीज, देखो वो रहा चंद्रमा। इन मूर्ख शिष्यों ने चंद्रमा तो देखा नहीं, उठा हुआ हाथ और उंगली और कमीज का रंग पकड़ लिया, और ये कमीज का रंग पकड़ करके गुरु के न रहने पे झगड़ने लग गया कि चंद्रमा देखना है तो हरे रंग की कमीज पहनो और ऐसे हाथ उठाओ, नहीं नहीं कोई और कहता है ये नहीं, सफेद रंग की कमीज और ऐसे दिखाना, और फिर कोई और कहता है कि आधी बांह की कमीज न हुई तो चंद्रमा दिखेगा नहीं, और लड़ गए, सर फोड़ने लग गए आपस में, एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। अरे उस उठे हुए हाथ से चंद्रमा देखते, इशारा किया था धर्म ने जिस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति का, उधर नजर डालते तो सारे धर्म वही एक राह बताते, वही एक बात करते, कहीं थोड़ा सा भी तो फर्क नहीं होता, उसे छोड़ करके और कैसे। नेक्स्ट, मैं ये एक आपसे जो आप ध्यान देना विशेष रूप से, मैं कुरान की एक आयत आज कोट कर रहा हूं, गुरु महाराज की बताई हुई है और वेरीफाइड है, कैसे परिभाषित किया गया है खुदा को और कैसे परिभाषित किया गया है परमात्मा को, हाउ सिमिलरली इन 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 वेद एंड इन कुरान परिभाषित करे अल्लाह ताला की, परमात्मा की, परवरदिगार की, खुदा की परिभाषा, हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन वहुवा वकुल्लै शैइन अलीम। हुवल अव्वल, ही इज द फर्स्ट, देयर इज नथिंग बिफोर हिम, हुवल अव्वल हुवल आखिर, उसके बाद कुछ नहीं होगा, वो परवरदिगार वो है जिसके आगे कुछ नहीं होगा, उसके आगे कुछ है नहीं। हुवल जाहिर, जितना दिखता है वो सब वही है, हुवल बातिन, जो नहीं दिख, जो हमें दिखता है वही थोड़ी है, चंद्रमा का पिछला हिस्सा नहीं दिखता तो क्या है नहीं, तो जो तुम्हें नहीं दिखता लेकिन है वो भी वही है। हुवल जाहिर हुवल बातिन वहुवा वकुल्लै शैइन अलीम, हर बातों को जानने वाला है वो।
और क्या कहते हैं वेद, क्या कहते हैं शिव सहस्र नाम में, भगवान शंकर के हजार नाम हैं, अनाद्यंतः व्यक्ता व्यक्तः बहुश्रुतः, अनाद्यंतः जिसका आदि नहीं जिसका अंत नहीं, अनाद्यंतः व्यक्ता व्यक्तः, जो व्यक्त है वो सारा वही, जो अव्यक्त है वो वही, बहुश्रुतः सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, कॉन्शियसनेस का सोर्स है ना वो, इसलिए सब कुछ जानने वाला वही परमात्मा, वही परवरदिगार। और बाइबल आन द अल्फा एंड द ओमेगा, आन द अल्फा एंड द ओमेगा, आन द फर्स्ट एंड द लास्ट, किससे लड़ रहे हो और क्यों लड़ रहे हैं हम, हम क्यों नहीं कोर में जाते और उन एक बातों को देखते जो एकदम एक तरीके से डिफाइन करता है उस परमात्मा को, और उसको छोड़ करके हम छिलकों पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं, गूदे छोड़ करके हम छिलकों पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जाने गंवा रहे हैं, दुकानें जलाते हैं, शहर फूंक देते हैं, और अपने इस देश की और आसपास के पड़ोसी देशों में भी तबाहियां कटी हुई हैं छिलकों की लड़ाई पे। सूफी फकीर कहता है अन अल हक, ट्रांसलेटेड इट मींस अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द सेम, अन अल हक, ये सूफी फकीर बोलते हैं। लेकिन हम हैं कि लड़ने से बाज नहीं आने वाले, हम हैं वो इसे नहीं सुनेंगे ना मानने को तैयार होंगे, वो वही बात होली बाइबल जब कहती है कि आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कमेथ अन टू द फादर बट बाई मी मीन्स थ्रू द सोल, जो हमारे अंदर वो ज्योति का पुंज है उसी के थ्रू रास्ता अंदर जाएगा। एक बात और, वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, उसकी परवरदिगार की कोई मूर्ति नहीं बन सकती, वेद कहते हैं। निराकार ब्रह्म को जब परिभाषित करते हैं तो कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, गुरु जी बैठे हुए हैं, कुछ अगर खोट हो तो टोक देंगे, वो जो मूर्ति पूजन गलत नहीं है अपने हिसाब से, उन्होंने कहा वो इनिशियल स्टेजेस में आपके लिए ठीक है, करो आप भाव आपने वहां प्रतिष्ठा की आपको परिणाम देगा, लेकिन सच मायने में जो निराकार पर ब्रह्म है उसकी मूर्ति वूर्ति नहीं बननी। तो बातें फिर वही सारी की सारी, जहां एका है वो देखेंगे नहीं, जहां झगड़ा है वहां बैठे हुए हैं, वहां वहां हथियार निकाल लिए हैं। नेक्स्ट, सच बात तो यह है कि आज की दिक्कत यह है कि यह अधर्म जो है यह धर्म के रूप में चला आया है, समस्या यह हो गई है। जो नहीं करने लायक बातें हैं उन्हें हम मानते हैं कि यह धार्मिक है। सती प्रथा थी कभी इसी देश में ना, 6 साल की बच्ची का ब्याह कर दिया, उसे शादी पता नहीं, गुड़िया गुड्डी खेलती हुई और वो बैठी और मिठाई खा करके बीवी बन गई, पत्नी हो गई, और बगल के लड़के, बगल के गांव का लड़का 8 साल का किसी बीमारी में चला गया, अब ये सती हो गई, अब इसे चढ़ा दो किसी ढेर सारे लकड़ी के ढेर पे और लाठियों से पीट के और ढोल ढपाटे मचाते हुए सती कर दो, पागलपन। इट वॉज नेवर अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ द रिलीजन्स दैट वी हैव, लेकिन वो एक बार धर्म मान लिया लोगों ने तो अपनी बेटियों को जला दिया। दिक्कत तब है जब देश में अधर्म धर्म का लबादा ओढ़ के आता है, लड़ाई लंबी हो जाती है। हम उसे धर्म मानते हैं जो अधर्म है, अभी चल रहा है। मैंने कैंपेन किया जबलपुर में, एंटी क्रैकर कैंपेन, दिवाली पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आगमन के नाम पे ये देश विश्वनाथ जी 6,000 करोड़ रुपए का बारूद अपने आसमान में भरता है, 6,000 करोड़ का बारूद उस देश में जहां दिवाली के दिन करोड़ों के हाथ में एक बताशा नहीं और एक दिया नहीं। अधर्म, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, दिवाली में लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी जुआ खेलने से, व्हाट अ मैडनेस इज दैट, लेकिन चल रहा है। अधर्म जब धर्म का लबादा ओढ़ के घुसेगा समाज में तो निकाले नहीं निकलेगा आसानी से, और अगर वो निकलेगा आपके प्रयास से, आप जगे हुए लोग हैं, आपके प्रयास से जाएगा, राह चलतों के प्रयास में से वो बात नहीं आनी, वो समझ ही नहीं सकते। या आप सुन तो रहे हो, आप शायद समझ भी जरूर रहे होगे, इस देश का एक बड़ा हिस्सा इन बातों को न सुन पाएगा न समझेगा, धैर्य नहीं उसके पास, समझ भी नहीं उसके पास।
और आवश्यकता इस बात की है कि अधर्म जब धर्म का लबादा ओढ़ के आए तो पहचान के इग्नोर कर दो, लड़ाई नहीं लड़नी, आवश्यकता नहीं उससे लड़ाई की, इट ओनली नीड्स टू बी इग्नोर्ड एंड प्रॉब्ली दैट विल डू द ट्रिक नेक्स्ट. सच बात तो यह है कि हम, जैसा मैं कह रहा था कि हम छिलकों की लड़ाई में लगे हुए हैं, गूदे की ओर ध्यान नहीं दे रहे. और मेरे घर पे मैं शाम को आसपास के मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, थोड़े से उन्हें रोज़ एक टॉफी एक बच्चे को देता हूँ उनको इनकरेज करने को कि वो आए. और वो अब जाके थमा है कुछ दिनों पहले, वरना रोज़ का झगड़ा था. एक टॉफी लाल रैपर में, हरे रैपर में, पर्पल रैपर में, ओ मुझे लाल चाहिए सर, मुझे हरी वाली चाहिए. लड़ने पे आमादा आपस में, और जिसे हरी मिल गई वो उछलता है अंदर बिल्कुल एक चीज, लेकिन वो रैपरों की लड़ाई में परेशान. हमारा सारा देश आज इस धार्मिक रैपर की लड़ाई में गुथा हुआ. और यकीन मानो आपकी वो परवरदिगार ऊपर से देखता होगा तो बड़ा हंसता होगा, ये मनुष्य मेरा इंटीग्रिटी और मेरा कंपैशन लेकर के पृथ्वी पर मेरे नुमाइंदे बन करके इन रैपर्स पे उलझे हुए लड़ रहे हैं. और ये मेरे घर की छत के बच्चे तो चलो खाली आवाज कशी करते हैं, यहां तो चाकू लगा देते पेट में, यहां तो जान मार देंगे, दुकानें जला देंगे, शहर लूट लेंगे उन रैपर्स की लड़ाई में. कब तक चलेगा मित्रों? सच बात तो यह है, मैं हल्का महसूस कर रहा हूं आज आपके बीच में ये बातें कह करके. मैंने ये बोझ उतार करके आपके कंधे पे डाला. आज मैं अकेला था ये बात बोलने को. आज के बाद आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप एक बार रुको, ठहरो, सोचो, जागरूक हो और जागरूक करो औरों को, वरना ये देश की तबाही ऐसे ही चलती रहेगी. नेक्स्ट. ये एक कहानी, रबिया अल बसरी, नाम सुना होगा शायद आपने. इराक में एक जगह है बसरा, एक फकीर हुई वहां पे, हुई 8th century में हिस्टोरिकली, रबिया नाम की. ये बात मैं आपसे कह रहा था ना छिलके और कोर की. रबिया जो थी वो मशहूर फकीर थी, झोपड़ी में रहती थी. एक रोज, लंबी कहानी छोटी कर देता हूँ, एक रोज नमाज पढ़ने के लिए जो लोग जा रहे थे, ढेर सारे लोग, वो सब इनकी झोपड़ी के बगल से जाते थे. उन्होंने देखा कि रबिया झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही हैं. आते जाते हुए लोगों ने पूछा, रबिया क्या हो गया, कुछ खो गया? हाँ. क्या? सुई. चले गए लोग. अब उन्होंने नमाज को जाना था, रुक थोड़ी जाते. नमाज पढ़ी और वापस, और रबिया सुई खोज रही बाहर वैसे ही. अब लौटते हुए लोग रुके, किसी एक ने कहा, रबिया सुई मिली? नहीं, नहीं मिली. मदद कर दूं? हाँ कर दो. एक, दो, तीन, चार, वो सारी भीड़ जुट गई रबिया की खोई हुई सुई ढूंढने में, और सुई थी कि मिलती नहीं थी. और फिर उनमें से एक ने पूछा, रबिया अच्छा ये बताओ, गिरी कहां थी? झोपड़ी के अंदर. उन्होंने कहा, अच्छा पागलपन है, घंटों खुद खोजा और घंटों हमसे खोजवा रही हो, वो सुई जो झोपड़ी के अंदर गिरी थी उसे बाहर खोजने का मतलब क्या? और रबिया ने कहा, वो परवरदिगार जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसे खोजने कहां गए थे? ये बात आपको इसलिए जचती है कि है ये आपके दिल की बात भी, और जानते आप सब हो कि वो परमपिता परमेश्वर, वो परवरदिगार जिसका अक्स हम सब के अंदर, नो एक्सेप्शन, आप उसे आत्मा कह लो, आप उसे रूह कह लो, आप उसे स्पिरिट कह लो, द वर्ड्स डोंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल. वो है आपके अंदर, और उसे वहां खोजना छोड़ करके बाहर बाजार में चलो तलाश भी लेते तो ठीक था. उस तलाश में डंडे उठा लिए, लाठियां उठा ली, बंदूकें उठा ली. कैसी तलाश है ये, और कैसा पागलपन है ये, और ये कब तक चलेगा? आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप कोशिश करो कि ये बात समझ में आए औरों की. मेरी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन ये आवाज़ अगर उठे और बढ़े और औरों तक पहुंचे तो शायद ये उठी हुई लाठियां गिरें, शायद ये उठी हुई बंदूकें झुकें,
और शायद एक बार वो सिलसिला शुरू हो जो इस देश में था और मैंने अपनी जिंदगी में देखा, वो सिलसिला जहां एक फकीर किनारे नंगा बिना कपड़े पहने हुए, गुरु महाराज मेरे कुछ नहीं पहनते थे, नेवर, राउंड द ईयर लिविंग ऑन अ मचान नेक्स्ट टू अ रिवर, नोबडी सॉ हिम एवर ईट एनीथिंग, और वहां बैठ के वो फकीर जहां इंदिरा गांधी मैं लेके गया दर्शन में उन्हें एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैं लेके गया दर्शन में, जहां प्राइम मिनिस्टर्स माथा टेकते थे, और वो फकीर, उन फकीर की जबान ये थी कि वो परवरदिगार तुम्हारे अंदर है, कहां फालतू में बाहर भागते हो, जस्ट स्टे इन टच विद हिम। नेक्स्ट, मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, आई एम कमिंग टू क्लोज ऑफ दिस इंटरेक्शन, कि अगर हम नहीं जगेंगे, प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, अगर हम नहीं जगेंगे तो दिक्कत क्या है और दिक्कत हो क्या रही है इस दिमाग? थोड़ी सी बात यह समझने की है, सटल तरीके से कहता हूं आपसे, मैं जब गाजियाबाद में था तो वहां SSP था, एक नया मैंने मोडस ऑपरेंडाई देखा मकान पे कब्जा करने का, वहां तब वो डेवलप करती हुई सिटी थी, पुरानी बात है, दिल्ली से बड़े बड़े लोग आते थे बंबई से और बड़े बड़े मकान बनवाए और उसके बाद रहते थे मुंबई में और दिल्ली में और बैंगलोर में। खाली मकान में एक आदमी ने, मैंने मान लीजिए, एक मुकदमा लगाया, राहुल जी को दूसरा फरीक बनाया और कोर्ट में ये दायर किया कि ये मेरा मकान है, राहुल जी ने कब्जा कर लिया, एक्चुअली ना राहुल जी का है ना मेरा है, वो मकान किसी और का है, और मैंने एक फर्जी कागज़ लगा करके पेश कर दिया कोर्ट में मुकदमा, कभी कभी जज भी मिले हुए थे, 3-4 महीने हम दोनों ने कागज पत्र कोर्ट में पेश किए दिखाए, उस आदमी को पता ही नहीं जिसका मकान है कि उस पर मुकदमा लग गया है, 2 क्लेमेंट्स खड़े हो गए, और 3-4 महीने बाद राहुल जी ने कंसीड कर लिया कि हाँ साहब मुझसे गलती हुई, मकान तो इन्हीं का है, कोर्ट ने आदेश कर दिया मेरे नाम पे कि वो मकान इनका है, और अब मैं उस कागज को लेकर के घुस गया अंदर उसके, और अब जब उसके चौकीदार बोलेगा या शिकायत होगी, वो भागा भागा मेरे पास, एक्चुअली SSP गाजियाबाद की हैसियत से मुंबई का बड़ा व्यापारी, रोते हुए लगभग, साहब मेरा मकान कब्जा कर लिया फलाने, तुम्हारा मकान, जब बुलाया तो उसने कहा साहब कोर्ट का आदेश दीजिए, मेरा मकान है, ओरिजिनल कागज सारे इसके पास हैं और कोर्ट ने आदेश उनके लिए कर दिया, तो एक्चुअली वो निपटाया मामला, जिससे वो अब भी चल रहा है साहब, यूपी में अब भी चल रहा है ये साहब, कि वो खाली मकानों पे कब्जा करने को ये तिकड़म लगा देते हैं, 2 लोग मुकदमा करेंगे और वो आपस में लड़हार के जीत लेंगे, जिसका है वो बाहर है उस लड़ाई से। आपसे ये कहता हूं कि वो वही लड़ाई आज चल रही है, ये जो स्यूडो सेक्युलरिस्ट हैं, जो सेक्युलर लोग हैं उन्हें सेक्युलरिज्म के बारे में नहीं पता, और जो धार्मिक लोग हैं उन्हें धर्म के बारे में नहीं पता, लेना देना नहीं उनका इससे कुछ भी, वो अपनी जो उनकी सत्ता की होड़ में जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, और उस होड़ में मकान हमारा आपका जा रहा है, मकान हमारा आपका जा रहा है, ये इस देश इस समाज में जो कुछ हक हमारे थे वो हम सब लड़ाई झगड़े में सरेंडर किए बैठे हैं, क्योंकि हम गाफिल हैं, हम ये जानने को तैयार नहीं हैं कि हमारा धर्म क्या है, हम क्या है, और ये लड़ाई किस बात की है। बराए मेहरबानी ये और जो धर्म के और सेक्युलरिज्म के ठेकेदार दुनिया भर के परिभाषाएं फैला रहे हैं, एक बार उन्हें रोक करके हम अपनी परिभाषाएं समझ करके उनके सामने रखें तो शायद ये बात रुक पाए, मुझे तो और कोई तरीका दिखाई नहीं पड़ता है आपके बीच में आकर के, इसलिए मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट, ये बात धर्म की बात हुई तो मैं आपसे आज सबसे शेयर करता हूँ, बचपन से मैं छोटा था और मैं और मेरे भाई अभी उससे मजाक कर रहे थे, हम बचपन में जब खेलते थे तो हम में से एक शिवाजी बनता था और एक महाराणा प्रताप। शिवाजी बहुत फैसिनेट करते थे मुझे तब से और आज तक, और मैं यहाँ आने के बाद से सारे उनके आसपास की जितनी जगह हैं सब घूम घूम के माथा टेक टेक के आया शिवाजी, और बाद में मुझे गुरु महाराज ने बताया कि शिवाजी कुछ नहीं थे, जो कुछ थे वो थे समर्थ स्वामी गुरु रामदास जी, उन्हें निकाल दो जिंदगी से तो शिवाजी शिवाजी नहीं बनते, वो जो कुछ बने वो एक स्पिरिचुअल मास्टर की वजह से बने जिन्होंने उनको शेप किया गढ़ा। और वो कहानी, मैं गया शिवाजी के साथ यहाँ सज्जनगढ़,
सज्जनगढ़ वो किला देखने गया जहां की कहानी वो आपने दास बोध जो किताब है उसके प्राकथन में ये कहानी दी हुई है, मैं आपको दोहराता हूं। वो ये कहानी दी हुई है कि शिवाजी जब वो किला बनवा रहे थे उनको अहंकार हो गया कुछ, इतने मजदूरों को मैंने नौकरी दी, इतना बड़ा काम करवाता हूं। उन्होंने बुलाया और समर्थ गुरु रामदास वहां गए, उन्हें समझ में आ गया कि इसको थोड़ा अहंकार हो गया। उन्होंने एक बड़ी चट्टान को कहा इसे तोड़ो, तोड़ी गई, उसके अंदर एक मेढक निकला, दरार बनी हुई थी, उस दरार के अंदर वो पानी रुक गया था तो वो मेढक उस चट्टान के भीतर पल रहा था। और फिर समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवा तुम तो बड़े प्रतापी हो, तुमने इस पत्थर के अंदर इस मेढक के रहने का बंदोबस्त कर दिया। और उनकी समझ में ये बात आई कि उनका ये अहंकार कितना निर्मूल्य था, वो पालने वाला कहीं कोई और है जो सबको पालता है, खाम खा हम जो है वो अपना अपना अहंकार लिए घूम रहे हैं। और सच बात तो ये है कि अगर हम उसके उस ग्रेस का ख्याल रखें जो ग्रेस परमात्मा का हमारे अंदर है, जिससे हमारी सांस चलती मेरी और आपकी, जिसके जिसके दम और ताकत से मैं कुछ कह पाता हूँ और आप कुछ सुन पाते हो। कबीरदास जी कहते थे पौ फाटा पगुरा हुआ, पौ फाटा पगुरा हुआ जागा जीवा जून, सबका हु को देत है चोंच समाना चून, मुर्दा हु को देत है कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे तिसका बड़ा अभाग। वो कहते थे कि पौ फट गया तो सुबह हो गई और जितने जीव हैं सबको वो परवरदिगार सबको खिलाने पिलाने का इंतजाम कर दे, सबका हु को देत है चोंच समाना चून, यहाँ तक कि मरे हुए आदमी को भी कफन लकड़ी और आग मिलती है, खुद इंजाम थोड़ी करता है वो, मुर्दा हु को देत है कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे तिसका बड़ा अभाग। जिस देश में जिस धर्म में कबीर सरीखे, संत ज्ञानेश्वर सरीखे लोग अपनी जिंदगी जी जी करके हमें उपदेश दे गए और बता गए कि धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, उस देश में नई परिभाषाएं, नए लोगों की बनाई हुई ये परिभाषाएं हमें लड़ा भिड़ा करके मरने पे मजबूर कर दें, माहौल को बर्बाद कर दें, मित्रों ये बड़ा ही उपद्रवकारी है, बड़ा ही कलंककारी है। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं, हमारे जगने की आवश्यकता है और हमारे सही मायने में धार्मिक होने की आवश्यकता। मुसलमान बढ़िया मुसलमान बन जाए तो बचा क्या, और सनातन धर्मी बढ़िया सनातन धर्मी बन गया अब बचा क्या करने को, वो एक चींटी नहीं मार सकता, अब वो क्या गबड़ी करेगा। नेक्स्ट इज द लास्ट स्लाइड, एंड सच बात तो मैं इसको रिटरेट करना चाहता हूं, लेट्स रिमेंबर दैट धर्म इज नथिंग बट इंटेग्रिटी प्लस कंपैशन, रिलीजन इज नथिंग बट इंटेग्रिटी प्लस कंपैशन, और इसलिए इससे बियॉन्ड हमारी जिंदगी हो नहीं सकती, होनी नहीं चाहिए, आदमी की जिंदगी नहीं हो सकती। और जो हमारे यहां कह गए ना वैष्णव जनतो तैने कहिए जो पीर पर आई जाने रे, हर तरफ से इस देश में यही आवाज बार बार तो आती रही है कि जो दूसरों के लिए सेवा करे, जो दूसरों के लिए इसका दिल परेशान हो वो धार्मिक है। इस धर्म को छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई, आपसे एक बात और कहता हूं अंत में, ये गुरु महाराज मेरे दोहराते थे, किसी सूफी फकीर का कहा हुआ, एंड आई वुड सम अप ऑल दैट आई हैव सेड टुडे विद दिस, खुदा रहम करता न उसके असर पर, खुदा रहम करता न उसके असर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, गुजर जाए आफत किसी के भी सर पर, पड़े गम का साया न जिस बे असर पर, खुदा रहम करता न उसके असर पर। थैंक यू।